दीपिका रणवीर की शादी का हर किसी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर बाजीराव और उनकी मस्तानी कब शादी के बंधन में बंधेंगे। वहीं आज फाइनली दीपिका और रणवीर ने इस बात से पर्दा उठा ही दिया। दोनों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी शादी का कार्ड शेयर किया है। दोनों नवंबर में एक होने वाले हैं। इनकी शादी का कार्ड काफी सिंपल और प्यारा है, जिसमें एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इंग्लिश में। लेकिन जनाब, अगर आप कार्ड पर थोड़ा गौर फरमाएंगे तो काफी गलतियां निकल आएंगी। अगर आप कार्ड के हिंदी वाली साइट को ठीक से पढ़ेंगे तो आप देख सकेंगे लिखा है कि हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे परिवार के आशीर्वाद से हमारी शादी 14 और 15 नवंबर 2018 को तय हुई है। इतने सालों में आपने हमें जो प्यार और स्नेह दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हमारे शुरू होने वाले प्रेम, दोस्ती और विश्वास के इस खूबसूरत सफर के लिए हम आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत सारा प्यार, दीपिका और रणवीर। दूसरी लाइन में ही खुशी हो रही है कि मैं गलती है, तो चौथी लाइन में भी आप देख सकेंगे कि सालों को सालों लिखा हुआ है। इतना ही नहीं भाई, हद तो तब हो गई जब दुल्हन के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी गई, दीपिका को दीपिका लिखा हुआ है। भाई इतनी बड़ी गलती, वो भी शादी के कार्ड में, ये काफी हैरान करने वाली बात है। भले ही कार्ड में गलतियां हों, लेकिन दीपिका रणवीर के फैंस तो खुशी से झूम उठे हैं। वेल, अब हम सबको तो बस इंतजार है स्वीट से कपल की शादी का। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।